दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर सतना से है, जहां जनपद पंचायत नागौद से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत खैरा में राजेंद्र कुशवाहा को पीएम आवास स्वीकृत किया गया है, जिसका आईडी क्रमांक 2119185 है, मगर उसके खाते में पैसा आया ही नहीं। जब इसकी जांच आवेदन में जनपद पंचायत जाकर की तो उसको पता चला कि उसके आवास की तो सारे किस्त पहले से ही निकाल ली गई है। इसके साथ ही उसके आवास को कंप्लीट कर जियो टैग में भी जोड़ दिया गया, मगर जब हितग्राही ने आवाज उठाई तो जनपद नागौद में बैठे आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके साथ ही सचिव ने हितग्राही से ये तक कह दिया कि जिससे कहना है कह दो, कुछ नहीं होने वाला। आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे और किसके संरक्षण में हो रहा है? क्यों आला अधिकारी मौन है? क्यों नहीं कर रहे हैं भ्रष्टाचारी सचिव के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई? नागौद जनपद के आलाधिकारी एक ओर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हर गरीब को अपनी जमीन अपना मकान देने के लिए किसी प्रकार की कोई देरी नहीं कर रहे, तो वहीं दूसरी ओर मिले हुए आवास का पैसा तक पचा रहे अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? आपको बता दें कि पूरा मामला राजेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम पंचायत खैरा जनपद पंचायत नागौद विधानसभा क्रमांक 62 रैगांव का है, जहां अपने ही आवास के पैसे के लिए 3 सालों से हितग्राही भटक रहा है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। टेबल टू टेबल अपने दस्तावेजों को लिए फिर रहा बेबस और लाचार नागरिक, आखिर कब मिलेगा उसे न्याय? कब होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई? इसी आस पर आज भी भटक रहा है ग्रामीण। माननीय जिला दंडाधिकारी और जिला पंचायत सीईओ से अब गुहार लगा रहा है। देखना है इस मामले में कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा पीएम आवास का पैसा सैंक्शन हुआ था और सचिव सरपंच द्वारा किसी दूसरे को दे दिया गया और रिकॉर्ड में मेरा मकान बना दिया। इसकी शिकायत की आपने किसी से? जी, मैं जिला पंचायत सीईओ के पास किया शिकायत और जनपद पंचायत नागौद ने किया शिकायत। सतना से जिला सीईओ के यहाँ से कुछ बातें नहीं की गई, लेकिन नागौद सीईओ जिला पंचायत जनपद पंचायत सीईओ से बातें की गई। 2 महीने तक लटकाए रहेंगे, दिलवाते हैं पैसा दिलवाते हैं, फिर एक दिन मेरे को ही जाँच करवा दिया गया। जी, सचिव से बात की, सचिव ने बोला कि अब जो जब तुम्हारा आएगा दोबारा जब देखा जाएगा। तो मैं बोला कि नहीं, मैं कार्रवाई करूँगा, बोल के नहीं कार्रवाई करते रहना, कुछ नहीं होता है, बात घूमते रहना। तो